मेरा नाम पृथ्वीराज, मैं पीएस स्टडी से हूँ और आपका इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ और आज मैं आप लोगों को न्याय के बारे में बताना चाहता हूँ। न्याय होती क्या है, न्याय की अवधारणा क्या है, न्याय कैसे काम करती है और देश में न्याय कैसे चलती है। तो बुक में है न्याय, जस्टिस। आखिर न्याय होती क्या है? देखिए, किसी लेखक ने तो कहा है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य को जानना, उस कर्तव्य को पालन करना होता है जो प्राकृतिक गुणों के सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना की राज्य का न्याय है। ये एक लेखक ने कहा है और यह सही भी है। न्याय हमें पालन करती है जो प्रकृति के रूप में बताया जाता है, प्रकृति जो कहती है उसे हम पालन करना। अगर प्रकृति के अनुकूलन, अगर उसके विरुद्ध हम काम का कार्य करते हैं तो जिस तरह अभी ओजोन परत में छेद हो गई है, उसी प्रकार प्राकृतिक घटनाएं होती है। देश की एक न्याय सिर्फ देश में चलती है, ये राज्य में ये जरूरी नहीं है। न्याय हर प्रकार से होती है। न्याय बहुत सारे न्याय की अवधारणा 5 हैं। मैं आपको बताऊंगा कि न्याय की 5 अवधारणाएं कौन कौन है जो देश में चालू होती है। आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, न्यायिक एक आर्थिक है, सामाजिक है और कुछ 2-4 हैं, मैं उसको बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, कुछ है नैतिक न्याय है, एक कानूनी न्याय है, राजनीतिक है और सामाजिक आर्थिक के 5 न्याय भी है। उसमें आइए नैतिक न्याय क्या होती है। नैतिक न्याय परंपरागत रूप में न्याय की धारणा है जो नैतिक रूप में ही अपनाया जाता है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है। विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। जैसे कि अपने परिवारजनों में एक दूसरे से बात करना, यानी उसे कैसे रहना है, वो एक नैतिक है। जब अपने विचारों में उत्पन्न होते हैं, अगर गलत विचार लाए तो किसी के जरिए गलत होती है, गलत विचार दिए जाते हैं और उसी से हमारी बीच न्यायिक भावना बढ़ जाती है, मतलब घट जाती है और लड़ाई झगड़े जो अन्य प्रकार की झगड़ाई होती है, बहुत सारे युद्ध हो जाते हैं, ये नैतिक न्याय की ही वजह से है। जो परमाणु बम भी गिरे हुए नैतिक न्याय के ही वजह से हुए हैं। और अगला है, आगे चलते हैं हम लोग आर्थिक न्याय के ऊपर। आर्थिक न्याय होती क्या है? सिर्फ पैसा के ऊपर, यानी पैसा कमाया कैसे जाता है इस पर नहीं डिपेंड नहीं करता है। आर्थिक न्याय बहुत ही प्रकार की होती है। जैसे कि अगर हम किसी मजदूर को रोजगार ना दें तो भी एक आर्थिक न्याय के ही ऊपर आती है। किसी को भेदभाव करके एक किसी को रोजगार दिए, एक मजदूर को नहीं दिए, ये आर्थिक के ऊपर ही आती है। जैसे कि अगर हम आर्थिक न्याय के ऊपर अगर हम मान लें, एक बहुत ही अच्छा खासा आदमी है जो कंपनी चलाती है, अगर उसमें 10 मजदूर काम कर रहे हैं, जो अमीर को ही अगर अमीर बनाने के लिए कंपनी सजा करती है, अगर वही कार्य करते रहे तो गरीब ही रह जाएगा, तो आर्थिक न्याय नहीं हुआ। इसी को संचालित करने के लिए न्याय की अवधारणा में दी गई, इसे रखा गया है और देश इसे संचालित करती है सही प्रकार से, ताकि एक कंपनी भी अगर मजदूर रखे, एक गरीब परिवार से रखे, ताकि उसे न्याय मिले। जो भी कार्य होती है सरकार के द्वारा, जो पैसा जो फंडिंग मिलती है वो भी आर्थिक न्याय के ऊपर आती है, जो सबको बराबर मिलती है, सबको समान मिलती है। तो दूसरा, चलिए इसको इतना ही छोड़ते हैं, दूसरा बात करते हैं हम सामाजिक न्याय के ऊपर। आखिर सामाजिक न्याय है क्या चीज़? हम तो मानते हैं कि समाज में अच्छी प्रकार से रहना, किसी से भेदभाव ना करना, छुआछूत की भावना ना रखना, यही सोचते हैं कि सामाजिक न्याय यही है। लेकिन नहीं, सामाजिक न्याय इससे भी बढ़कर हो सकती है। सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय का मतलब है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद ना माना जाए, आखिर वही चीज़, भेद नहीं माना जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। और देखिए आगे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। देखिए, आत्मविश्वास पूर्ण अवसर प्राप्त हो, मतलब अपने आप में विश्वास होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, अपने समाज के लिए क्या करें। समाज में हर तरह संगठन बनती है तो उसमें कार्य कैसे करती है? अगर हम एक दूसरे से ही बैर की भावना रखें, मतलब लड़ाई की भावना रखें, ईर्ष्या की भावना रखें, तो समाज तो चलेगी नहीं, तो संगठन चलेगा नहीं। तो समाज में सामाजिक न्याय की भावना अगर हम रखेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ प्रतिकूलन कार्य करेंगे, तो समाज भी चलेगी, संगठन भी चलेगा और हम भी अच्छी तरह से चलेंगे, क्या सही है? अब देखिए उसी के आगे, सामाजिक न्याय में ही हमने है वास्तविक वर्ष्य मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागाएँ, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को
सार्वजनिक भेद आदि राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात लिखी है। मैंने बताया आप लोगों को राजनीतिक न्याय में हर प्रकार के भाषण देना, हम मुझे मिल रहा है तो उसे ना मिले, वो जातीयता में है, ये नहीं होती होनी चाहिए, सामाजिक न्याय में है। अगर ऐसा कर दे तो सामाजिक न्याय का उल्लंघन है और उसके लिए संविधान में दंडनीय भी माना गया है। पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं तब जान सकते हैं, अब नहीं जानेंगे तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या है आखिर इसमें दंडनीय कैसे है। तभी हम बात करें न्याय के बारे, तो न्याय के बारे में चलते हैं। तो आगे आ जाइए हमारे राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में सिर्फ चुनाव लड़ने का अधिकार ही सारे कोई को नहीं दिया गया है, वोट मारने का जितना 18 साल से ऊपर अधिकार है उसी तरह 18 साल से ऊपर किसी कहीं कहीं पद भी मिला गया है, कोई मुखिया वार्ड आ गया, विधायक विधायिका आ गया, देश प्रधानमंत्री भी बना, तो वो एक राजनीतिक न्याय के ऊपर निर्भर करता है। और राजनीतिक न्याय ये राज्य एक व्यवस्था उत्पन्न की है जिसमें बहुत सारी साधने दी है जो हर प्रकार की किसी को न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी है, प्रेस की स्वतंत्रता दी है और आगे नागरिक स्वतंत्रताएं दी है, मतलब हर एक प्रकार की स्वतंत्रताएं राजनीतिक में भी दी गई है ताकि किसी को बैर ना किया जाए, किसी से अलग ना हो, ताकि राजनीतिक में भी एक अलग विचार आ जाते हैं ना। जैसे अभी किसी नेता को देखिए वो कार्य करते हैं जातिवाद के ऊपर, किसी को भड़काते हैं ताकि हमारा वोट बना रहे और हम एक अलग प्रकार का अपना राज्य चलाए और गलत प्रकार से राज्य चलाते हैं जो अभी गंदी राजनीतिक हो चुकी है। तो ये है राजनीतिक न्याय का अनुकूलन, ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है। राजनीतिक न्याय के बारे में ये होता नहीं क्योंकि अब सरकार के हाथ में ही राजनीतिक न्याय, उसकी सारा संविधान का कला है, उसी के हाथ में सारा बागडोर है संभाली है, तो करेगी नहीं क्योंकि अपने आप को कैसे सजा देगी। अब आ जाते हैं कानूनी न्याय। ये कानूनी न्याय क्या है, हम किसी हम गुनाह करें हम बच जाएं, ये कानूनी न्याय का उल्लंघन है। यानी कानून अपने दायरे पे ये लिखती है कि चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उच्च जाति का हो नीच जाति का हो, कानून सबको सजा देती है। मर्डर किया तो भी सजा, उसके लिए अलग सजा है, जुर्म किया चाहे चोरी चकारी जो जुर्म किया उसके लिए अलग अलग सजाएं निर्धारित की है। तो इसमें कानूनी न्याय को प्रतिपादित करता है क्योंकि अगर हम रईस हैं पैसा दिए तो छूट गए, करप्ट लोगों की वजह से ये छूट जाते हैं, इसमें पैसा से न्याय को खरीदा नहीं गया है अभी तक। इसमें न्याय में देखिए पहला आ गया है कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होनी चाहिए, यानी न्याय से संबंधित होनी चाहिए। जो भी सरकार नियम बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, जो लोगों के प्रति वो पालन किया जाएगा, उसमें लागू जो जनता के ऊपर जो लागू करता है वो सही होनी चाहिए, ये न्याय नियोजित होनी चाहिए, जो न्याय प्रकार पे होनी चाहिए, जो सम्मान कानून प्रकार से सम्मान होनी चाहिए। अब दूसरा आ जाता है कानूनों को लागू करना अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अगर जो विधेयक जो कानून बनता है पार्लियामेंट में अगर उसे पारित करने के बाद अगर सही से ना चले तो बेकार है, कानून क्यों बनाएगा, तब तो न्याय कानूनी न्याय का उल्लंघन हो रहा है और ऐसा करने देगी नहीं गवर्नमेंट। इसलिए जो भी कार्य बनते सोच विचार के उसे बनाने में नहीं भी करने भी 8 दिन लगता है, 8 दिन से भी ज़्यादा। वो सबसे पहले राज्यसभा लोकसभा, अगर केंद्र पे बन रही है तो राज्यसभा लोकसभा फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई कानून बनता है, और अगर राज्य पे बन रही है तो भी राज्यसभा में पारित होती है, विधायक मतलब विधानसभा में पारित होती है, उसके बाद CM की अनुमति के बिना कानून नहीं बनती है, उस पर फिर राज्यपाल के सिग्नेचर चाहिए तब कानून तैयार होती है। जब उतना कुछ करने के बाद अगर वो सही से पालन ना किया जाए तो कानून न्यायिक कानून का तो उल्लंघन है, तो ये होने नहीं देगी। इसलिए जो भी कार्य बनती है वो न्यायोचित होनी चाहिए और सही तरह से होनी चाहिए, जो जनता पे के ऊपर भलाई की कार्य करें, उसे दबोचे नहीं उसे नोचे नहीं। देखिए इस पांचों कानूनी के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ, अब चलिए आगे थोड़ा सा और एक इसका एक पार्ट पढ़ लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान में राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था दी गई है, अब कैसे दी गई मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ इस बुक के माध्यम से, तो मेरे दिमाग में थोड़ा खाली है, भेजा है नहीं ज़्यादा, इसलिए मैं बताता हूँ इस बुक के माध्यम से। तो आगे चलिए, भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श की वही भूमिका है जो मंदिर में मंगल कलश की होती है, और संविधान निर्माताओं द्वारा इस तथ्य को समझ लिया गया है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता और समानता की ही नहीं वरन न्याय की भी आवश्यकता होती है। मैंने सही कहा, संविधान में न्याय के बारे में बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारी अनुच्छेद दी गई है,
उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद में किसके बारे में पूरी अवकलन की गई है, पूरी विचार दी गई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जब अगर एक काम पूरे संविधान लिखे तो बहुत सारे अनुच्छेद के साथ उसे बांटे हैं, हर एक कानून को, हर एक विधायिका को, हर एक विधेयक को, हर एक अनुच्छेद में अलग अलग अनुच्छेद है, अलग अलग धाराएं हैं, उसमें अलग अलग पाठ दिए हैं। देखिए, इस संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। मैंने बताया कि लक्ष्य, संविधान का लक्ष्य है कि सारे कोई को सही तरह से सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए, आर्थिक भी मिलनी चाहिए और कानूनी न्याय भी मिलनी चाहिए। आगे, सर्वप्रथम राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक व गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतंत्र और गणतंत्र, जब संविधान बनाया गया इसलिए गणतंत्र उसे माना गया क्योंकि संविधान के प्रारूप देश चलाया जा रहा है, इतना बड़ा संविधान लिख के इस देश को चलाया जा रहा है। और लोकतंत्र क्योंकि जनता के अनुमति के बिना संविधान को जो चलाता है उनका बैठ नहीं सकता है अपनी गद्दी पर। जब अगर एक प्रधानमंत्री भी बन रहा है तो जनता के ही मर्जी से बन रही है, इसलिए उसे लोकतंत्र पे रखा गया है। और संविधान के ऊपर देश चल रही है इसलिए इसे गणतंत्र पे रखा गया। इसलिए संविधान को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए लोकतंत्र और गणतंत्र जरूरी है, ये उसके ऊपर निर्धारित किया गया है। जो संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई है जिसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं।